हमने एक दोहा सुना है और वो दोहा है कि पोथी पढ़ पढ़ जगत में पंडित भयो न कोई, पोथी पढ़ पढ़ जगत में पंडित भयो न कोई, और ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई। जरा समझिए ये क्या कहना चाह रहे हैं। यहां पर हमारे कवि राज जो है वह कवि हमारे क्या कहना चाहते हैं, ये इसका अर्थ एक सामान्य रूप में क्या है कि पोथी पढ़ पढ़ किताबों को पढ़ करके कोई भी व्यक्ति पंडित नहीं हुआ, ज्ञानी नहीं हुआ, समझदार नहीं हुआ, विद्वान नहीं हुआ। तो बोले वो क्या कहना चाहते हैं, बोले ढाई आकर प्रेम का केवल प्रेम कर लो, अर्थात प्रेम करने लगो तो तुम्हारा पढ़े सब वही पंडित हो जाता है। अब वो प्रेम किससे करते हैं, प्रेम करने के लिए जरा विचार करिए, प्रेम में एक लड़का लड़की प्रेम करते हैं या हम सांसारिक वस्तुओं से प्रेम करते हैं। और हम मान लेते हैं कि हमने इस शब्द को, हमने इसको अर्थ को समझ लिया, लेकिन आप पहले समझिए इसका अर्थ क्या है। पोथी शास्त्र, पढ़ पढ़ जगत में शास्त्रों को पढ़ करके कोई भी व्यक्ति ज्ञानी नहीं हुआ, ये तो इसका ऊपरी लाइन का, इसका ऊपरी पंक्ति का अर्थ हो गया। बोले ढाई आखर प्रेम का, अब आखर किसको कहते हैं, विचार करिए, अक्षर, आखर कहा जाता है अक्षर को। अक्षर हमारे यहां नाद का प्रतीकात्मक है और नाद हमारे यहां ब्रह्म का प्रतीकात्मक है, अर्थात अगर आपको पढ़ना है तो प्रेम रूपी उस ब्रह्म को पढ़िए। जिसने उस ब्रह्म को पढ़ लिया, जिसने उस परमात्मा को पढ़ लिया, वही ज्ञानी हो जाता। एक शब्द बड़ा सुंदर आता है, पागल, आप लोगों ने सुना होगा, अक्सर करके हम लोग कह देते हैं पागल, पागल है भाई। लेकिन आपने पागल शब्द की महत्ता को समझा? साहब हम लोग तो ऐसे ही घूमते फिरते लोग हैं, ऐसे ही ढूंढ लेते हैं, ऐसे ही निकाल लेते। गल कहा जाता पंजाब, गल शब्द है, पंजाबी शब्द है, और गल का क्या मतलब होता है, बात। आप पंजाबियों से अगर आप किसी पंजाबी से आप बात करें तो आप उससे पूछे की गल है भाई वीर जी, की गल है, की गल मतलब क्या बात है, गल मतलब बात, बात मतलब शब्द, शब्द मतलब नाद, नाद मतलब ब्रह्म। बोले जिसने प्राप्त, पा मतलब प्राप्त कर लिया, बोले किसको, गल मतलब बात को नहीं, शब्द को, शब्द को नहीं, ब्रह्म को, नाद को, नाद को नहीं बल्कि ब्रह्म को, ब्रह्म मतलब परमात्मा को जिसने प्राप्त कर लिया वही पागल है, जिसने परमात्मा को प्राप्त कर लिया वही पागल है। एक हमारे आगरा विश्वविद्यालय के यूनिवर्सिटी में एक बड़े अच्छे उच्च कोट मतलब कवि हैं, श्री केशव जी, पिताजी महाराज के पास में आया करते थे, और एक दिन कह रहे थे, बड़ा सुंदर सा भाव कह रहे थे, केशव जी हमारे डॉक्टर केशव है आगरा विश्वविद्यालय में, पिताजी के पास लेखन का कार्य करने आते, पिताजी उन्हें लिखवाते थे और लिखते थे। एक दिन हम लोग बैठे थे तो कह रहे थे, पिताजी ने कहा आज क्या हुआ डॉक्टर साहब, तो वो कह रहे महाराज जी, महन जी बड़ा, बाबा साहब एक बड़ा अच्छा सा हुआ, आज मैं चाय बनाने बैठा तो मैंने चाय में पानी भी डाल दिया, पत्ती भी डाल दी, और मैंने जो है वो भी डाल दिया, दूध भी डाल दिया, सब एक साथ डाल दिया, तो पत्नी सो रही थी, मैंने, मुझे लगा मैं इसको क्यों कष्ट दूं, तो उन्होंने अपनी पत्नी को उठाए बिना उन्होंने वो सब चीजें एक साथ डाल दी, पत्नी उठ करके आई, उठ करके आकर देखा, बोले ये क्या कर दिया, बोले चाय बना रहा, बोले चाय ऐसे बनती, हटो पागल कहीं। अब उन्होंने वो शब्द कहा पागल, तो पागल शब्द कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में, तो उन्होंने पिताजी से कहा, बोले मैं आपको वो मैंने चार पंक्तियां मैंने लिखी है, मैं आपको सुनाना चाहता हूं, कैसी है जरा आप आशीर्वाद दें। तो पिताजी महाराज ने कहा सुनाइए, तो उन्होंने बड़ा सुंदर कहा कि पागल को संग पाए पागल बनेंगे हाय, कि पागल को संग पाए पागल बनेंगे हाय, कोई कहे पागल तो बुरो मत मानिए, कोई कहे ऋषि आए, कोई तो गुस्से में कहता है, कोई कहे ऋषि आए, कोई कहे खिसी आए, और कोई कहे दुलर आए, तो अपनों से जानिए, पागल ना एक भांति भांति के अनेक देख, पागल कोई एक नहीं होता है, अनेक प्रकार के। बोले कैसे पागल, बोले कोई धन के मद में पागल है, कोई प्रतिष्ठा के मद में पागल है, कोई अपने माप में पागल है, कोई इधर उधर के उसमें कार्यों में पागल है। बोले पागल ना एक भांति भांति के अनेक देख, पागल की गति मति सो जानी है, पागल की जैसी मति होती है वैसी गति होती है, जैसी गति होती है वैसी उसकी मति होती है, और कोई कहे पागल जो कोऊ कहे पागल जो काऊ भले आदमी,
तो विधि न कई देन ताहे पागल ही मानिए। कोई अगर अच्छे बने व्यक्ति को पागल कहता है तो समझ लीजिए वो ही पागल है साहब। तो हम लोग समझिए थोड़ा सा इस बात को कि पागल अर्थ क्या है। पागल अर्थ भी अपने आप में शब्द, शब्दों का अर्थ अपने आप में बहुत विस्तारित है। इतना विस्तारित है कि जब हम उनकी व्याख्या कर देखिए, ब्रह्म भी ढाई अक्षर का है और प्रेम भी ढाई अक्षर का है। ब्रह्म का भी कोई विलोम शब्द नहीं है तो प्रेम का भी कोई विलोम शब्द नहीं है। प्रेम का आनंद हो सकता है, परमानंद हो सकता है, ब्रह्मानंद हो सकता है, सुखानंद हो सकता है, रसानंद हो सकता है, लेकिन विलोम शब्द नहीं है। उसी प्रकार से जैसे ढाई अक्षर का ब्रह्म है वैसे ही ढाई अक्षर का प्रेम है। इसलिए हमारे यहां पर कहा गया कि पोथी पढ़ पढ़ जगत में पंडित भयो न कोई, और ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। यहां पर वह जो प्रेम की बात है, जरा विचार करिए कि प्रेम कहां बोले, भक्ति प्रेम स्वरूपा होनी चाहिए, ज्ञान प्रेम स्वरूप होना चाहिए और वैराग्य भी प्रेम स्वरूप होना चाहिए। तो आइए आज की चर्चा को यहीं विश्राम देते हैं। दो प्रश्न थे महाराज जी। जी, दो बालकों के थे। एक बालक का प्रश्न था, पंकज शर्मा का, पूजा करते वक्त ध्यान कहीं पहुंच करना चाहिए क्या? ध्यान कहीं पहुंचता ही क्या करना चाहिए? ध्यान पूजा करते समय ध्यान अगर कहीं और चला जाता है तो क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल में शायद आपका प्रश्न ऐसा है जी। पंकज करके, पंकज जी आपका शायद मुझे ऐसा लगता है कि आपका अर्थ जो है वो ये है कि पूजा करते में अगर हमारा ध्यान भंग हो जाए, ध्यान मग्न ना हो अपितु ध्यान भंग हो जाए तो हमको क्या करना चाहिए? तो उसके लिए यही है कि देखिए, पूजा हम क्यों करते हैं पहले तो आप ये विचार करिए। हम पूजा क्यों करते हैं? पूजा एक क्रियात्मक व्यवस्था है। पूजा हम इसलिए करते हैं कि हमारा हाथ पैर चलते रहे और हमारा मन जो है उन क्रियाओं में लगा रहे। ये क्रियात्मक व्यवस्था है पूजा। भगवान की अर्चना आदि, पूजा आदि, भगवान की स्तोत्र आदि, ये सब हमारी क्रियात्मक है। कि जैसे कि अगर मैं कोई काम कर रहा हूं तो काम करते में मेरा मन फिर उसी में ही लगेगा, मेरी बुद्धि, क्योंकि मेरी दृष्टि वहां है। और जब दृष्टि वहां होगी तो मेरा मन भी मुझे वहीं लाना पड़ेगा, मुझे दिमाग को भी वहीं लाना पड़ेगा। तो पूजा एक क्रिया, अगर आपके आप पूजा करते में भी ध्यान कहीं और जा रहा है तो इट मींस कि आपकी पूजा कर्म में कहीं कोई कमी है। तो लिहाजा प्रयास करिए कि आप अपना पूरा भाव पूजा को दे सके, आप पूजा में समर्पित हो सके। एक और प्रश्न महाराज जी, बंटी अग्रवाल है। महाराज जी, अपनी गलती को मान लेने वाला महान है या गलती को क्षमा करने वाला? अपनी गलती को मान लेने वाला महान है या गलती को क्षमा कर देने वाला महान जी? अपनी गलती को मान लेने वाला व्यक्ति महान होता है। क्षमा करने वाला तो ग्रहण करे या ना करे, उसने जो काम कर दिया उसके ऊपर वो उसके प्रति निष्प्रही भी हो जाए तो ये तो क्षमा मणन को चाहिए, छोटन को उत्पात का बिगड़ गो विष्णु को जो प्रभु ने मारी ला। भगवान नारायण बड़े हो गए, क्या हो गया, लेकिन प्रभु जी महाराज का वह कार्य जो उन्होंने बड़ा, देखिए इसी में ही आपका है, आपके प्रश्न का उत्तर बड़ा सुंदर है इसमें दोनों। आज के समय में तो व्यक्ति अपनी गलती मान ले तो बहुत बड़ा है, क्योंकि आज के समय में वो 5 साल के बच्चे को भी मालूम है कि वो सॉरी नहीं बोलना ऐसा, और सॉरी बोलने में ज्यादा देर नहीं लगती है। दो चीजें हमें अंग्रेजों से बहुत अच्छी सीखनी चाहिए, सॉरी एंड थैंक यू। थैंक यू ज्यादा सीखना चाहिए। हाँ, आपको अगर कोई पानी पिला रहा है तो थैंक यू बोलिए। अगर आप कहीं पर पेट्रोल भी डलवा रहे हैं तो पेट्रोल डलवाने वाले को आप थैंक यू बोलिए। अगर कोई आप रास्ता पूछ रहे हैं तो रास्ता बताने वाले को आप धन्यवाद दीजिए। अगर कोई आपके लिए कुछ ऑर्डर लेकर के आया तो उसे धन्यवाद, हम धन्यवाद देना भूल गए। थैंक यू एंड सॉरी, ये दो शब्द अपने जीवन में कर। तो जो व्यक्ति अपनी गलती मान लेता है, जरा विचार करिए, वो बहुत बड़ा माना गया हमारे यहाँ।
गलती को माफ कर देने वाला तो बड़ा होता ही होता, लेकिन वह व्यक्ति जिसने अपनी गलती को मान लिया वह उससे भी बड़ा है, क्योंकि उसने एक बहुत बड़ा काम किया। उसने सबसे पहले अपना उसका जो अहम था उस अहंकार को, उस अहम को समाप्त किया, और समाप्त करने के बाद में उसने माना कि मैं गलत था या मैं गलत हूं। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो जिसने अपनी गलती को मान लिया वह महान होता है, क्षमा कर दिया, वो तो बड़ों का कार्य है ही।